हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आज ही कोलकाता में ऑडिशन हुआ और वहाँ पे बहुत कोई ऑडिशन दिया और मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर किया कुछ पिक्स वगैरह, तो थोड़ा बहुत मैं उसी के लिए मैं आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को कुछ उनके बारे में बताऊँगा, जो कैसे कैसे ऑडिशन दिया गया या फिर क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, किस तरह का ऑडिशन लिया जा रहा है, वो जो जितना भी चीज़ें हैं, बातें हैं, प्रॉब्लम्स है, जितना भी जो कुछ भी है वो मैं क्लियर करूँगा आज इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों। और मेरा ब्लॉग चैनल मैं नया नया बनाया हूँ, उसमें भी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो इसको भी अगर सब्सक्राइब होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि उस तरह का लेटेस्ट मैं ब्लॉग्स आप लोग के लिए बना सकूँ। तो चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कोलकाता में भीड़ थी, लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करने गए थे। और आपको मैं बता दूं कि लंबा से लंबा लाइन जहाँ भी आप लोग देखे, पुलिस का भरमार, मतलब पुलिस ही पुलिस, मतलब बहुत सारा पुलिस था वहाँ पे। और ना ही फोटो लेने दे रहा है, ना ही वीडियो बनाने दे रहा है वहाँ पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अगर ऑडिशन देने जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग ब्लॉग वगैरह बना के यूट्यूब पे डालिएगा, ताकि आप लोग को बहुत सारा अच्छा खासा व्यूज़ आने लगेगा, वहाँ से ऑडियंस बेस बनेगा आपको, उस तरह से आप पॉपुलर हो सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था, तो आप लोग उस तरह से कर भी रहे थे बहरमपुर का भी। तो यहाँ तो रही भीड़ की बात, चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑडिशन में इंटर करने बाद, ऑडिशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आर्यन जितना भी मेरे मुझे कुछ बताया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि वो घुसने के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि ना म्यूज़िक था वहाँ पे, ना इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ भी था, ना स्केल पूछा, ना कुछ भी पूछा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हूँ, और सरेगामापा में भी, हिंदी सरेगामापा में भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहता है, उस तरह से ऑडिशन लिया जा रहा था। बट यहाँ पे इस तरह से कुछ भी सीन नहीं है, ना स्केल पूछा जा रहा है, ना इंस्ट्रूमेंट था, ओनली माइक। यहाँ पे बोला मुझे माइक भी नहीं दिया जा रहा है, एक जन बोल रहा था कि माइक दिया जा रहा है, बट ये मुझे बोल रहे हैं कि माइक नहीं दिया जा रहा है, ऐसे ही मतलब गाने को बोला जा रहा है। उनसे लगभग दो गाना सुना, हिंदी दो गाना सुना, उस ए और एक बंगाली गाना सुना, जस्ट इस तरह का गाना सुन के उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया गया। जी हाँ दोस्तों, एक पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट होता है, जिस आप जी बांग्ला सरेगामापा में सर्टिफिकेट मतलब पार्टिसिपेट किए हैं, उनका एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको बहुत ही वैल्यूबल होता है। इस वजह से अगर आप लोग ऑडिशन दे रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इस तरह से जैसे कि ऑडिशन हो रहा है, ना म्यूज़िक, ना इंस्ट्रूमेंट, ना आपको स्किल पूछा जा रहा है, कुछ भी नहीं, ओनली आपको गाना गाना पड़ रहा है। उसके बाद चलिए यहाँ पे रिजल्ट का पॉइंट होता है, ठीक है। ऑडिशन तो आप लोग दे दिए, उसके बाद रिजल्ट कब आता है, बहुत कोई का माइंड में ये चल रहा है, और मुझे बहुत कोई पूछता रहता है भैया रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट मतलब किस तरह से मिलता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि रिज़ल्ट देखिए, अगर आप परफॉर्म अच्छा करते हैं, ठीक है, बहुत ही तगड़ा गाते हैं, बहुत ही मतलब एक कलाकार टाइप गा लेते हैं, सिंगर टाइप, तो क्या होता है वहीं पे आपको बोल दिया जाता है कि आप सिलेक्टेड हो। अगर उनके दिल में आप पहुँच जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो लोग हिल जाता है पूरा, ठीक है, उस तरह का आप सिंगिंग करते हैं तो आपको चुन लिया जाता है, वहीं पर बोल दिया जाता है कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और आप ऑडिशन दे पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग मतलब थोड़ा बहुत सिंगिंग करते हैं, सीखे हुए नहीं हैं या फिर इस तरह से सिंगिंग करते हैं, तो वो लोग को उतना थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो क्या बोलते हैं कि वो लोग हम लोग रिज़ल्ट आप लोग को बाद में सुनाएंगे, मोबाइल मतलब कॉन्टेक्ट के जरिए हम लोग आपको बोलेंगे, तो इस तरह से होता है। तो तुरंत ही तुरंत उसको मतलब रिज़ल्ट दिया जाता है जो कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, बहुत एक नामी होता है, उस तरह का होता है, जो उनको वहीं पर बता दिया जाता है कि आप सिलेक्टेड हो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए ऑडिशन दे सकते हो, ठीक है। और बहुत कोई को इस तरह से बोला जाता है कि आपको उसके, और बहुत कोई को बोला जाता है कि बाद में कांटेक्ट करके आप लोग को रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। तो और भी जी बांग्ला सरेगामापा का ऑडिशन निकल सकता है, और आप लोग अपडेट रहिएगा इस चैनल पर। और आर्यन जी को बहुत ही मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, ताकि उनके वजह से आप लोग को पता चल रहा है कि किस तरह से आप लोग ऑडिशन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, लगभग 2000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेट था दोस्तों, 2000 से ज़्यादा। और यहाँ पर अगर सुबह आप लोग लाइन लगा रहे हैं तो मतलब आप लोग क्या ही बताएँ, 12 बजे
बजे आप लोग ऑडिशन दे पा रहे हैं। तो इस तरह का जो हो रहा है, मतलब क्या ही बताएं, पुलिस का भरमार और वीडियो बनाने भी नहीं दे रहे हैं, ओनली फोटो भी नहीं दे रहे हैं। मतलब दो जन वीडियो बनाने गया था, बट वो लोग का क्या हुआ कि मोबाइल ही छीन के ले लिया गया। तो इस तरह से हो रहा है, इसलिए आप लोग सावधानी रखिए और आराम से आपका जो करने गए हैं वहाँ पर, जो ऑडिशन देने गए हैं उसको आप लोग पहले दीजिए, उसके बाद आप लोग जो करना है कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि सर लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।